नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम के नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री के साथ मन की बात कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस्लामपुर में हुआ इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। गोरखा राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक संगठन की ओर से दार्जिलिंग चौरस्ता में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। मालदा के मारे गए श्रमिक परिवारों से मिले राज्य के नगर विकास मंत्री फिराद हाकिम। क्रिकेट मैच में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब हुई विजेता। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी की ओर से खालपड़ा स्थित पंचायत भवन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत के मन की बात कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगामी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा पूरे दमखम के साथ काम कर रही है। चुनाव को ध्यान में रखकर रविवार को भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी की ओर से पंचायत भवन में मोदी के साथ भारत के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान भाजपा के सिलीगुड़ी संगठन जिला कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी, सचिव राजू पाल सहित प्रदेश भाजपा के महासचिव शांतनु बोस अन्य उपस्थित थे। शांतनु बोस ने बताया कि कार्यक्रम काफी हद तक सफल रहा और उन्होंने बताया कि मोदी जी के साथ का कार्यक्रम लाइव चला। साथ ही उन्होंने इस बार सिलीगुड़ी से भी सीट जीतने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री मन की बात छोड़ तार भाषण चल तो 5 बच्चों भारत के प्रधानमंत्री मानुष के सरकार पॉलिसी सरकार इच्छा साधारण मानुषर इच्छा एगो वर्णना कर सरकार साधारण मानुष के सम्मान घोषित कर वार्ड मेमोरियल क्या तैरि कर জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা আপনি তো বললেন। আমরা এখানে সমস্ত কার্যকর্তা এই বুথের এলাকার আমরা শুনলাম প্রধানমন্ত্রীর লাইভ। पागल कुत्ते के आतंक के साय में जी रहे अलीपुर द्वार के निवासी, अभी तक 100 से अधिक लोगों को पागल कुत्ता बना चुका है अपना शिकार। अलीपुर द्वार में पिछले 48 घंटे के भीतर 125 लोगों को पागल कुत्ता काट चुका है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 72 लोगों को अलीपुर द्वार जिला अस्पताल के जनरल वार्ड में, जबकि बाकी लोगों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। पागल कुत्ते ने जिनको काटा है उनमें से 103 पुरुष, 5 बच्चे और बाकी महिलाएं हैं। पागल कुत्ते के रोकने के लिए NRS और कुत्ता विशेषज्ञों को बुलाया गया है। इसी बीच कुत्तों के काटने के बाद दी जाने वाली रेबीज वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। इधर पूरे इलाके में आतंक फैला हुआ है, लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं, कहीं पागल कुत्ता उनको अपना शिकार न बना ले। इस्लामपुर टाउन स्टेशन लाइब्रेरी में इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का किया गया आयोजन। बंगाल सहित कई अन्य राज्य के साहित्यकार थे उपस्थित। इस्लामपुर टाउन लाइब्रेरी हॉल में इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहां पर साहित्य जगत से जुड़े बंगाल के साथ साथ ओडिशा, असम, कोलकाता के विभिन्न कवि एवं साहित्यकारगण उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित थे ग्वालपोकर के विधायक गोलाम रब्बानी, इस्लामपुर के विधायक तथा चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल सह अन्य वरिष्ठ गण। इस दौरान विधायक कन्हैयालाल अग्रवाल ने बताया कि जिस समाज में साहित्य और साहित्यकारों की अहम भूमिका है, इसे ध्यान में रखकर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज समाज में हर तरफ अस्थिरता का आलम है। कवि व साहित्यकार अपनी रचना में समाज में व्याप्त अस्थिरता को दूर कर सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत की आजादी में भी साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान था। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को गोरखा राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक संगठन की ओर से दार्जिलिंग चौरस्ता में एक श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में गोरामुमु अध्यक्ष मनघे सिंह उपस्थित थे। सभी गोरामुमु और पूर्व सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने को भी लेकर चर्चा हुई। गोरामुमु अध्यक्ष मनघे सिंह ने बताया कि इस विषय को लेकर जल्द एक बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य पार्टियां अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए राजनीति करती है, लेकिन गोरामुमु अपनी जाति और माटी की राजनीति करती है। एसडीएम पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री जीएम गुरुंग ने कहा कि 40% लोग एसडीएम पार्टी के सदस्य हैं। दक्षिण जिले के रंगांग हिन्यान समष्टि अंतर्गत श्रीपात में एक संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने यह दावा किया। म त्यति घर भित्र पसेको छैन, तर यहाँ वास्तविक रूपले सम्पूर्ण जनमानसहरु एसडीएम प्रेमी हुनुहुँदो रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय यही इलाकाको भएर उहाँहरूले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई व्यक्तिगत रूपले साथै उहाँहरूले गर्नुभएको याङ्गिङ रङ्गाङ
समष्टिको निम्ति गर्नुभएको योगदानको कदर गर्नुभएको छ, उहाँहरूले त्यसलाई सम्झनु भएको छ, याद गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने यहाँ भित्रै गुटबाजीहरू भएर अनि घर परिवारको भित्रैबाट गृह कला गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अल्मल लिनुभएको, तर उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुभयो कि अब काइला र ठुलेको बिचमा त्यस्तो खालको राजनीतिक सम्बन्ध केही रहेन रहेछ, नीतिगत आफ्नो आफ्नै ढाँचा रहेछ भन्ने उहाँहरूले बुझेर एसडिएफ पार्टीमा पवन चामलिङ साहबको नीति र सिद्धान्तलाई नै समर्थन गर्ने उहाँहरूले वचन गर्नुभएको छ। नागरकट्टा में हुई 24 वर्षीय प्रियंका लामा की हत्या के मामले में हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग में स्थानीय लोगों ने किया थाने का घेराव। नागरकट्टा के सुल्कापारा ग्राम पंचायत के चादर लाइन इलाके की रहने वाली प्रियंका लामा शनिवार को किसी से बात करते हुए अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन घर के बाहर ही कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रियंका को तत्काल सुल्कापारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसको नहीं बचा सके। स्थानीय लोगों ने आज आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने में थाने का घेराव किया है। थाने के ओसी असीम मजुमदार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। মেটা বাড়িতে এসে পড়ছে দিনটা কালকে সন্ধ্যাবেলায় নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফোন করছে, তারপরে এরকম একটা বিশাল দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সবার মধ্যে প্রতিবেশী যত গ্রামবাসী সবার মধ্যে মনে হয়েছে যে জিনিসটা কোনো নরমাল ঘটনা না, অ্যাবনরমাল ঘটনা। সেই জন্য আজকে ওই মেয়েটাকে প্রিয়াঙ্কা লামা ওকে পোস্টমর্টমে পাঠিয়ে সমস্ত গ্রামবাসী আসছে যাতে ন্যায্য বিচার হয়। कोचबिहार में निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने किया उद्घाटन। कोचबिहार के एनजेएन स्टेडियम में दो दिनों तक चलने वाले बंगाल एंड केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से द्वितीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद के पूर्व कर्माध्यक्ष अब्दुल जलील अहमद, नगर निगम के भूषण सिंह सह अन्य गणमान्य लोग इस स्वास्थ्य शिविर में प्रसिद्ध डॉक्टर्स मरीजों का निःशुल्क रूप से इलाज करेंगे। बंगाल एंड केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संपादक संजय मुखर्जी ने बताया कि इस निःशुल्क शिविर में आंखों के मरीजों के लिए 2000 चश्मों का वितरण किया जाएगा एवं सभी प्रकार की जांच भी निःशुल्क रूप से की जाएंगी। केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन उद्योगे प्रत्येक बचर ही एमजे स्टेडियम कुचबिहार स्वास्थ्य मेला স্বাস্থ্য মেলায় নামি দামি ডাক্তাররা আসেন শিলিগুড়ি থেকে, নেউটিয়া হাসপাতাল ফিরিয়ে ঘুরিয়ে সহ অন্যান্য ডাক্তাররা, কুচবিহার হাসপাতালের ডাক্তাররা, তাছাড়া অন্যান্য যত ডাক্তার রয়েছে, এমনকি কবিরাজি হাসপাতালের যিনি ডাক্তারি করেন তাকেও আনা হয়েছে, হোমিওপ্যাথিকও আনা হয়েছে, চক্ষু বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছে। এবং এই স্বাস্থ্য মেলাটা করার মূল লক্ষ্য উদ্যোগ হল স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকে মানুষকে সচেতন করা। লেতে এক ছোটা সা ব্রেক, আপ বনে রে এসকে লাইফ কে সাথ। Sunshine High School, an English medium co-educational school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2019, pre-nursery to class 9, quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus contact Sunshine High School. Mobile. 7797965318 9734015500 3. E chi vuoi, Nino? Nino, non è tutta fede, faccio. Chi vuoi, Yuri? Osti, ma c'è chi ne cosutta? Mi riportai? कति किन दिन होस् लाइदो जुत्ता पनि फटै त हाल्छ। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देऊ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर, डाक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। यूपी बम ब्लास्ट कांड में मारे गए मालदा के श्रमिक परिवार से मिले राज्य के नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम, 2-2 लाख रुपए का चेक किया प्रदान।
जितनी माएं रो रही है इन सब का जवाब योगी सरकार को देना होगा। देश में अभी सुरक्षा का अभाव है। जो कानून का उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं वही लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल है। रविवार को राज्य के निगम उन्नयन मंत्री फिराक हाकिम ने उत्तर प्रदेश बम ब्लास्ट कांड में मालदा के मारे गए श्रमिक परिवार से मिलने के बाद यह बातें कही है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के बनारस में एक कारपेट कारखाने में बम विस्फोट की घटना में 13 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी। 13 लोगों में अधिकतर श्रमिक मालदा जिले के मानिक चौक थाना इनायतपुर इलाके के निवासी थे। शनिवार को यह घटना प्रकाश में आते ही मृत व्यक्ति के परिवार में शोक की लहर छा गई। रविवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के नगर मंत्री इनायतपुर इलाके में मृत व्यक्ति के परिवार वालों से मिले। इस दौरान मंत्री ने उनके घर जाकर परिवार वालों के साथ बातें भी की। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से मृत व्यक्ति के परिवार वालों को 2 लाख का चेक भी दिया गया। श्रमिकों की पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी देने और उनके माता पिता को वृद्ध भत्ता देने का भी आश्वासन दिया गया। जा श्रमिक जरा कारपेट कारखाना उत्तर प्रदेश गेलो एक ब्लास्ट हो भयावह উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে আসেন কিন্তু নিজের রাজ্য সামলাতে পারেন না, কি করে ব্লাস্ট হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি এইসব আত্মীয়র পাশে, এইসব যারা যাদের স্ত্রী মা যারা সর্বহারা হয়ে গেল তাদের পাশে আছে। তাই আজকেই 2 লক্ষ টাকা করে তাদের হাতে ডিএম এর মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং আমি এখানে লোকালি কথা বললাম, এখানে আইসিডিএস এ তাদের স্ত্রীরা কাজ করবেন, এইভাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো হচ্ছে। আর তার মা খুব দেখলাম বুড়ি বুড়ি মা আছে, তাদের বার্ধক্য ভাতাও ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে পুরো সরকার প্রশাসন এবং আমাদের দল পাশে দাঁড়াচ্ছে সেসব পরিবারের। আমরা নিশ্চিতভাবে বাংলার মানুষের পাশে আছি, যখনই এই বিপদে পড়েছে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা দৌড়ে এসেছি। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के बाद लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में गुजरात के मोरबी में सेक्शन सिरामिक कंपनी के टाइल्स में पाकिस्तान का ध्वज और पाकिस्तान मुर्दाबाद स्लोगन लिखी टाइल्स बनाई गई। इस टाइल्स को कंपनी मुफ्त में सभी सार्वजनिक टॉयलेट में दे रही है। इस्लामपुर में मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से बस टर्मिनल में कैंसर रोगियों की पहचान करने हेतु जांच शिविर का किया गया आयोजन। इस अवसर पर संस्था के सदस्य मोहित अग्रवाल ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच एक बीड़ो उठाइए कैंसर न मिटाना को इस अभियान के तहत एक या बस चाईबासा का एसआर रूम का ग्रुप न स्पॉन्सर का थ्रू आप मिली है और आप लगभग 2-3 साल से पूरा देश में कैंसर डिटेक्शन कैंप इस बस के माध्यम से कर रहे हैं। इस कैंप में इस बस में अभी तक 650 के आसपास कैंप हो गया और लगभग 1 लाख के ऊपर पेशेंट की स्क्रीनिंग अभी तक इस बस में हो चुकी है। लगभग 1100 पेशेंट की स्क्रीनिंग में हम लोग ने जो पता चले कि बिलोक फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज कैंसर में पॉजिटिव पाया गया। बिलोक को ट्रीटमेंट के बाद बिलोक अब ठीक है और यह एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है कि आपका 1100 परिवार ने बचा सका इस कैंप का इस बस का माध्यम से। एनजीपी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी में 30 लीटर शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार देर रात एनजीपी थाने की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मंटू कर्तिनिया के रूप में की गई है। उसे रविवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। एनजीपी पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भक्तिनगर इलाके की एक दुकान में अवैध रूप से शराब का कारोबार चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस दुकान में छापेमारी कर वहां से 30 लीटर शराब जब्त करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया अवैध शराब के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जलपाईगुड़ी में मोबाइल चुराते एक बालक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर किया पुलिस के हवाले। तूफानगंज में ट्रक के नीचे आने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। गुस्सा स्थानीय लोगों ने ट्रक में जमकर किया तोड़फोड़। तूफानगंज शहर के 2 नंबर वार्ड के रहने वाले बबलू मंडल आज रानीरहाट में बाजार करने के लिए गए थे। बाजार करने के बाद जब वो वापस घर लौट रहे थे तभी मदन मोहन रोड संलग्न इलाके में साइकिल पर से उनका नियंत्रण खत्म हो गया और वो वहां गिर गए। उसी समय वहां से गुजरती एक ट्रक के पिछले चक्की के नीचे वह आ गए। उनको तत्काल चिकित्सा केंद्र ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। আমি যখন সকালবেলা বাজারে আসি এবং বাজার থেকে যাওয়ার পথে দেখি যে ঠিক মদন মোহন বাড়ির সামনে
একটা ট্রাক আসছিল এবং সাইড দিক দিয়ে একজন সাইকেল পথচারী যাচ্ছিল, হঠাৎ করে সে উপরে গিয়ে গাড়ির তলে চলে যায় এবং গাড়িটি তার মাথার উপর দিয়ে চলে আসে এবং তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটে। তারপরে জানতে পারলাম যে বাজারে সে একজন কর্মচারী, বাতাসার দোকানে, 2 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি, বাবলু তার নাম। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन के साथ एसएसबी जवानों ने महिलाओं की कुल 8 टीमों के साथ 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। आज खेल के अंतिम दिन में यूनाइटेड क्लब नक्सलबाड़ी ने ट्राई बेकर में जीत हासिल की। इस अवसर पर उपस्थित थे एसएसबी के आईजी, रानी डांगा डीजी, रामकृष्ण मिशन के महाराज और कई गणमान्य लोग। एसएसबी के आईजी ने इस अवसर पर क्या कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, यहाँ पर आज सशस्त्र सीमा बल ने एक महिलाओं का एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराया। पिछला 3 दिन से ये हमने शुरू किया था जिसमें 8 टीम भाग लिया और आज उसका फाइनल था। हम ये टूर्नामेंट लोगों के साथ जुड़ने के लिए ये हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए टूर्नामेंट करा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेपाल और भूटान बॉर्डर के ऊपर है, नेपाल और भूटान खुली बॉर्डर होने के नाते हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम लोगों के साथ जुड़ के एक साथ मिलके इस बॉर्डर को सुरक्षित रखें, और इसी के सिलसिले में ये टूर्नामेंट हमने आयोजन किया था। आगे जाके तो हम लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं इस बॉर्डर बेल्ट पे। बच्चों को हम बहुत सारे ट्रेनिंग देते रहते हैं। कुछ दिन पहले एलईडी बल्ब सिखाने का कार्यक्रम हुआ। अभी हम जलपाईगुड़ी में चारों तरफ बॉर्डर के लोगों को ले जाके एक मैन फ्राइडे प्रोग्राम चलाया जिसका कल ही समापन हुआ, मैं खुद ही गया था वहाँ पर। इस ढंग से हम पूरे बॉर्डर को, हम वो एक फोर्स है जिस फोर्स में हम लोगों के साथ रहते हुए इस बॉर्डर को सुरक्षित देखना चाहते हैं। सिलीगुड़ी दादाभाई स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब ने एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जिसमें सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब और उत्तरबंग संवाद के बीच मैच हुआ। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब ने इसमें विजय हासिल किया। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।